आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की आज सुल्तानपुर में शुरुआत की गई। नगर पालिका परिसर में शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की गई, जिसके बाद प्रभात रैली निकालकर लोगों को शहीदों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी प्रभात रैली में शामिल हुए। शासन के निर्देश पर आज नगर पालिका परिषद से आजादी के अमृत महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर में भी इसकी शुरुआत की गई। CDO अतुल वत्स और SP विपिन मिश्रा ने सबसे पहले शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, उसके बाद प्रभात रैली निकाली गई। खुद CDO और SP कर्मचारियों और बच्चों के साथ इस प्रभात रैली में शामिल हुए। नगर पालिका से राम नरेश त्रिपाठी सभागार तक रैली का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। CDO अतुल वत्स और SP विपिन मिश्रा ने कहा, आगामी वर्ष में हम लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उसी के लिए लोगों को जागरूक करने, शहीदों को नमन करने के लिए शासन के निर्देश पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सर, ये कैसा प्रोग्राम है, क्या लक्ष्य है आम जनता के? ये आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ हम लोग नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए अभी से लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने शहीदों को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी शहीद हैं आपके जनपद से जो संबंधित हैं, उनकी प्रतिमाएं जहाँ जहाँ लगी हैं वहाँ से हम लोग अपना रूट चार्ट बनाएं, लोगों को जागरूक करते हुए जाएं, उन शहीदों को नमन करें और प्रयास करें कि लोगों को हम लोग अपने 75वें जो वर्षगांठ आने वाली है उसके बारे में जागरूक कर सकें। ये कैसा प्रोग्राम हो रहा है? ये काकोरी शहीदों की याद में ये अमृत महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज सारे शहीद स्मारकों की साफ सफाई और उन पर माल्यार्पण तथा प्रभात फेरी का कार्यक्रम है, उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।